हेलो फ्रेंड्स आप सभी लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि बार बार कमेंट के माध्यम से आप लोग बोल रहे थे कि आ, जो है इंग्लिश में प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स जो हैं वो सॉल्व कराए जाएं तो इसी के क्रम में जो है आज 2013 का एग्रीकल्चर असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर फर्स्ट में लेकर के उपस्थित हुई हूँ और आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो है 180 एटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 180 एटी क्वेश्चन को मैं थ्री पार्ट्स में लेकर के आप लोग के लिए लेकर के आऊंगी और इसके माध्यम से आप लोग खुद को चेक भी कर सकते हैं कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहे हैं और पेपर जो है वो इंग्लिश में होगा क्योंकि काफ़ी लोग इंग्लिश में कह रहे थे कि इंग्लिश में पेपर को प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कराया जाए तो चलिए फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को शेयर करना ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पेपर फर्स्ट है ये जो आपका द्वारा कंडक्ट कराया जाता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्वेश्चन तो, पूछा गया था वो था वेन फ्लो पैरिमीटर चेंज विथ टाइम बट रिमेन कंस्टेंट विथ स्पेस द फ्लो इज कॉल्ड एज तो उस फ्लो को क्या कहा जाता है ठीक है मतलब कि जब बहाव के कारक समय के साथ बदलते हैं लेकिन दूरी के साथ स्थिर रहते हैं तो वह बहाव कहलाता है वो फ्लो जो है वो कहलाता है क्या कहलाता है ऑप्शन ए है अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो ऑप्शन बी है स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो ऑप्शन सी है स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऑप्शन डी है अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ठीक है ये चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स होप आप लोगों को आंसर्स पता होगा तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू है अब असम मैरिजिबल पंप में बी ठीक है तो ऑप्शन ए है सिंगल स्टेज पंप ऑप्शन बी है मल्टी स्टेज पंप ऑप्शन सी है सेंट्री पंप ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी तो इसमें राइट right ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू के अंतर्गत तो यहाँ पे आपका राइट right ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बोथ ए एंड बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर द हाई मॉइस्चर ग्रेन शुड बी केप्ट इन ठीक है तो जो अनाज भंडारण में जो है न, अनाज की अधिक नमी वाले दानों को रखना चाहिए कैसे रखना चाहिए तो ऑप्शन ए है एयर टाइट स्ट्रक्चर ऑप्शन बी है एरी एरी एरेटेड एरे स्ट्रक्चर ऑप्शन सी है पुका कोठी ऑप्शन डी है गनी बैग्स इन क्लोस्ट रोम ठीक है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे होगा कि एरेटेड स्ट्रक्चर में रखना चाहिए मतलब हवादार संरचना में रखना चाहिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर पर आते हैं फ्रेंड्स मोस्ट कॉमनली यूज स्टोरेज स्ट्रक्चर बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन इन इंडिया इज ठीक है तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से फ्रेंड्स ऑप्शन ए है पूसा विंस ऑप्शन बी है कैप स्टोरेज ऑप्शन सी है हापुर बिन्स ऑप्शन डी है नन ऑफ द एब तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर के अंतर्गत सी ए पी स्टोरेज ठीक है ये सी ए पी बोला जाता है इसको ठीक है सी ए पी स्टोरेज होता है ठीक है नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फाइव डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ ठीक है मतलब पानी का घनत्व कितना होता है तो ऑप्शन ए है वन थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑप्शन बी है फाइव हंड्रेड के जी पर मीटर क्यूब ऑप्शन सी है फिफ्टीन हंड्रेड के जी पर मीटर क्यूब ऑप्शन डी है टू थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब तो यहाँ पे राइट right ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1000 थाउजेंड के जी पर मीटर क्यूब होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है एल एस यू ड्रायर वॉज डेवलप्ड एट ठीक है तो एल एस यू ड्रायर का जो है विकास किस स्थान पर हुआ था इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ऑप्शन ए है लंदन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑप्शन बी है लुधियाना स्टेट यूनिवर्सिटी ऑप्शन सी है लखनऊ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑप्शन डी है नन ऑफ द एब तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट right ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबब मतलब इनमें से कहीं भी सॉरी यहाँ पे जो है ऑप्शन डी होगा नन ऑफ द एबब ठीक है मतलब कहीं भी यहाँ इनमें इन तीनों में से कहीं भी डेवलप नहीं किया गया नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन स्पेसिफिक एनर्जी डायग्राम इस प्लॉटेड विडबिन स्पेसिफिक एनर्जी एंड डेफ्त ऑफ द फ्लो फॉर तो ऑप्शन ए वेरिएबल डिस्चार्ज ऑप्शन बी कंस्टेंट डिस्चार्ज ऑप्शन सी कंस्टेंट फ्रॉड नंबर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव तो यहाँ पे राइट right ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए तो so, यहाँ पे राइट right ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्टेंट डिस्चार्ज नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एट की तरफ मैक्सिमम रिकमेंडेड एयर टेम्परेचर फॉर ड्राइंग ऑफ वीट इज ठीक है तो गेहूं सुखाने के लिए आ, जो एयर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए इसके बारे में पूछा गया है कितना रिकमेंड किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी है फोर्टी डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी है सिक्सटी डिग्री सेल्सियस ऑप्शन डी है नाइन्टी डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे राइट right ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट के लिए जो राइट right ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्सटी डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन पर आते हैं डिजायरेबल टेम्परेचर फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ पोटैटो इज़ ठीक है तो आलू के जो है सेफ स्टोरेज के लिए सेफ स्टोरेज मीन्स सुरक्षित भंडारण के लिए जो है डिज़ायरेबल टेम्परेचर क्या होता है डिजायरेबल मतलब होता है अनुकूल तापमान क्या होता है तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है माइनस फोर डिग्री सेल्सियस ऑप्शन बी है एट डिग्री सेल्सियस ऑप्शन सी है ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए जो राइट right ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है ऑप्शन नंबर डी होगा नन ऑफ द एब ठीक है आप बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ तो क्वेश्चन नंबर टेन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ फ्लुड फ्लो ठीक है तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए है आपका क्वेश्चन नंबर टेन में स्टडी ऑप्शन नंबर बी है डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी है लेमिनार ऑप्शन नंबर डी है कंप्रेजिबल ठीक है तो यहाँ पे राइट right ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अलेवन पे आते हैं फ्रेंड्स इन द कोल्ड स्टोरेज द स्टोरेज टेम्परेचर इज नॉर्मली मतलब कोल्ड स्टोरेज में भंडारण का तापमान कितना होता है सामान्यतः जो है वो कितना होता है तो क्वेश्चन नंबर अलेवन का राइट right, चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे आपका जो राइट right ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए माइनस वन डिग्री सेल्सियस टू टेन डिग्री सेल्सियस ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हलर आर यूज्ड टू ठीक है हलर का प्रयोग किया जाता है तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन अब पूरा रीट में नहीं करूंगी राइट ऑप्शन आप लोग को बताऊंगी ताकि टाइम बहुत ज़्यादा ना लगे तो हलर का प्रयोग किसमें किया जाता है फ्रेंड्स तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है रिमूव हस्क फ्रॉम पैडी ठीक है रिमूव हस्क फ्रॉम पैडी मतलब धान से भूसी को अलग करने के लिए हलर का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे आते हैं फ्रेंड्स यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज तो रेफ्रिजरेटर का यूनिट क्या होता है चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर थर्टीन के लिए यहाँ पे राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबब इन तीनों में से कोई भी रेफ्रिजरेटर का यूनिट नहीं होता है इसलिए नन ऑफ द एबब राइट ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है वन हेक्टेयर इज इक्वल टू चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एब इनमें से कोई भी वन हेक्टेयर के इक्वल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है फ्रेंड्स तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है फोर साइट इज ऑल्सो नोन एज तो फोर साइट को किससे जाना जाता है तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे राइट right ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव साइट ठीक है मतलब फोर साइट यानी फोर साइट मीन्स होता है अग्र दृष्टि तो अग्र दृष्टि को जो है धनात्मक दृष्टि के रूप में भी जाना जाता है मतलब पॉजिटिव साइट इसका राइट right ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पर आते हैं फ्रेंड्स रिड्यूस्ड लेबल ऑफ अ पॉइंट इज इट्स हाइट और डेफ्थ एबव और बिलो ठीक है तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के लिए और यहाँ पे आपका राइट right ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी द एज्यूम्ड डेटम ठीक है, Assumed मतलब होता है किसी चीज को मानना ठीक है तो इसको आप हिंदी में कह सकते हैं मानने आधार से, ठीक है। है पर आते हैं friends, question number 17 है आपका हाइग्रोफिलिक ठीक है हाइग्रोफिलिक सोल्स आर दोज ठीक है हाइग्रोफिलिक सोल्स यानी हाइग्रोफिलिक मृदा वह होती है जो तो ऑप्शन ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन के लिए यहां पे राइट right ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए विच अट्रैक्ट वाटर जो पानी को आकर्षित करती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन है फ्राउड नंबर ऑफ अ ट्रायंगुलर चैनल इज़ गिवेन एज ठीक है तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए एफ इजल टू वी रूट टू अपॉन रूट जी वाई ठीक है तो इसका राइट ऑप्शन है ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की बात करते हैं इन बिल्डिंग मेटेरियल आर सी सी स्टैंड फॉर ठीक है मतलब बिल्डिंग के निर्माण में जो है पदार्थों में आरसीसी का क्या तात्पर्य होता है मतलब आरसीसी किसे कहते हैं कुल मिला के आरसीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया ठीक है तो यहाँ चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर डी बिल्कुल राइट है कि इनमें से कोई भी आरसीसी का फुल फॉर्म नहीं है आरसीसी इनमें से कोई भी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं फॉर स्लैब्स एंड बीम्स द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स जनरली यूज ठीक है तो स्लैब्स बीम्स बीम्स में जो है आ, मतलब आमतौर पर कंक्रीट का निम्न मिश्रण जो है प्रयोग में लाया जाता है तो वो कौन सा मिश्रण है तो यहाँ पे ये तीनों में से कोई भी राइट right ऑप्शन नहीं है तो अतः जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट right है नन ऑफ द एब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन है फ्रेंड्स अ अलैमिनार ठीक है या लेमिनार को हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स पटलीय है जिसको आप बोलते हैं ठीक मतलब है फ्लो इज एसोसिएटेड टू मतलब पटलीय प्रवाह जो है वो संबंधित होता है ऑप्शन ए है लो फ्लो बिलोस्टी से ऑप्शन बी है मूविंग ऑफ फ्लूड विदाउट लेट्रल मिक्सिंग से ऑप्शन नंबर सी है अब्सेंस ऑफ इडीस ऑप्शन नंबर डी है ऑल एब तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन के लिए राइट right ऑप्शन क्या होगा तो यहाँ पे होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन के लिए राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल एब से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है अ यूनिफॉर्म फ्लो जनरली ऑकर्स इन तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू के लिए यहाँ राइट ऑप्शन है एन इन क्लाइंट चैनल ऑफ कॉन्स्टेंट बेट स्लोप ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट right है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री है द मीनिंग्स रफनेस ठीक है तो एन डिक्रीज विथ मतलब एन जो है ठीक है वो आ, बढ़ता है ठीक है मतलब आ, तो फ्रेंड्स यहां पे पूछा गया द मीनिंग्स रफनेस तो एन एन मतलब होता है आपका रफनेस कॉफिसियंट जिसको आप बोलते हैं एन जो है वो डिक्रीजेस मतलब घटता है किसके साथ घटता है इसका मान ठीक है ये पूछा गया मतलब होता है, घटता है तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा इन चारों में से फ्रेंड्स तो यहाँ पे राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन फ्लो डेफ ठीक है ठीक है इंक्रीज इन फ्लो डेफ मतलब कि पानी के बहाव की गहराई बढ़ने पर जो है रफनेस एन जो है वो घटता है उसका मान जो है घट जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पर आते हैं एट द क्रिटिकल फ्लो कंडीशन द वेलोसिटी हेड इज इक्वल टू तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर के लिए तो यहां पे राइट ऑप्शन होगा हाफ हाफ ऑफ द फ्लो डेफ्त ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है हाफ ऑफ द फ्लो डेफ्त ठीक है तो ठीक है तो हाफ ऑफ द फ्लो डेफ्त मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे पानी के प्रवाह की आधी गहराई के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव पर आते हैं डिमेंशन ऑफ डायनेमिक ठीक है और वे कास्टी ठीक है यानी श्यानता जिसको आप बोलते हैं ठीक है तो विस्कास्टी जो है डायनेमिक विस्कॉसिटी जो है वो क्या होता है डिमेंशन उसका बीमा क्या होती है ठीक है तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स यहाँ पे होगा एम एल टू पावर माइनस वन टी टू पावर माइनस वन ठीक है तो ये होती है डायनेमिक डायनेमिक विस्कासिटी की बीमा यानी डिमेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स वर्नॉलीस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर वर्नॉलीस का प्रमेय या वर्नोली का समीकरण आप जिसको बोलते हैं वो किस में लागू होता है इन चारों में से तो यहाँ पे राइट right ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स फ्रिक्शन फ्रिक्शन लेस स्टडी फ्लो ऑप्शन नंबर बी है इन ठीक right है ऑप्शन मैं रीड नहीं करूँगी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है फ्रिक्शन लेस स्टडी फ्लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन पर आते हैं ठीक है अट्रेपेजोडियल वायर ठीक है या वियर जिसको आप बोलते हैं अट्रेपेजोडियल वियर इज सेट टू बी ठीक है और सिपोलिटी वेन इट साइड स्लोप इज ठीक है तो यहाँ पे राइट right ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स चार ऑप्शन में से यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए है टेन थीटा बाई टू इज टू वन अपॉन फोर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट है फ्रिक्शनल हेड लॉस इन अ पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट के लिए और यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए लेंथ ऑफ पाइप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन है फ्रेंड्स करेंट मीटर्स आर यूज टू डिटरमाइन ठीक है तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी फ्लो विलोसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी है ठीक है सी पेस्ड फोर्स ऑलवेज एक्ट इन तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स और यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है द वेट ऑफ द फ्लूट पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी वन के लिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक वेट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू है द डायनेमिक ठीक है विस्कॉसिटी ऑफ अ फ्लूड एक्सप्रेस्ड एज पॉइस इक्वल टू तो ये किसके इक्वल होता है चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी टू के लिए राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ज़ीरो पॉइंट वन न्यूटन ठीक है से सेकेंड पर प्रति पर मीटर स्क्वायर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है द फ्लो इज सेट टू बी ठीक है टर्बुलेंट इफ द रेनॉल्ड नंबर इज इन अ पाइप इज ठीक है तो यहां पे uh, जो है uh, कितना होना चाहिए नंबर तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री के लिए ऑप्शन ए फाइव थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर है वर्नॉलीज इक्वेशन इज रिलेटेड टू तो वर्नौली का इक्वेशन या वर्नौली का समीकरण जो है वो किससे संबंधित है रिलेट करता है तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर के लिए यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी एनर्जी बैलेंस यानी ऊर्जा संतुलन से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है फ्रेंड्स थर्टी फाइव क्वेश्चन है रेशियो ऑफ ठीक है फोर्स टू विस्कस फोर्स ऑफ फ्लूट फ्लो इज नोन एज तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव के लिए तो यहाँ पे आपका राइट right ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ग्रास नंबर ठीक है तो मतलब व्यू, व्यू फोर्सेस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स और वॉइस वा, फोर्सेस मतलब क्या होता है उत्प्लावन बल तथा शांता बल ठीक है होप आप लोग को समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रिक्शन फैक्टर इज इंपॉर्टेंट पैरिमीटर पर्टिकुलरली इन ठीक है तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स के लिए तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ठीक है टर्बुलेंट फ्लो यानी अशांत प्रवाह ठीक है अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन का ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन आप ध्यान से पढ़ेंगे और अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सॉल्व कराए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी है फ्रेंड्स वेंशरी मीटर इज यूज टू मेज़र फ्लो ऑफ फ्लूड्स इन पाइप्स वैन पाइप इज तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहां पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इन एनी पोजिशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट है फ्रेंड्स अंडर ओपन फ्लो कंडीशन द हाइड्रोलिक्स जंप इज फॉर्मड व्हेन द फ्राउड नंबर इज ठीक है तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्टी एट के लिए चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी मोर देन वन मतलब एक से अधिक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन है एट क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो ठीक है तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं आप लोग देख सकते हैं और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी पर आते हैं इन इनर फ्लूड विच सम विस्कोसिटी इज नोन एज तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी के लिए और यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा रियल फ्लूड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन है अलार्ज रोनाल्ड नंबर इज इंडिकेशन ऑफ ठीक है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा मतलब एक बड़ी रेनॉल्ड संख्या जो है वो सूचक है तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा हाईली टर्बुलेंट फ्लो ठीक है मतलब अति विप्लव प्रवाह का जो है सूचक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू है द फ्लो इज इन द ओपन चैनल मे बी कैरेक्टराइज एज लेमिनार फ्लो वैन रेनोल्ड्स नंबर इज ठीक है तो रेनोल्ड्स नंबर क्या होता है चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा रेनोल्ड नंबर लेस देन फाइव हंड्रेड मतलब कि रेनोल्ड संख्या जो है वो पाँच सौ से कम हो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वन वन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है तो वन स्ट्रोक टू ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है वन मल्टीप्लाई टेन टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर सेकेंड ठीक है तो इसके इक्वल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर पर आते हैं द बिलोसिटी ऑफ वाटर थ्रू अ सर्कुलर चैनल विल बी मैक्सिमम वेन द डेप्थ ऑफ वाटर इज ठीक है तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर के लिए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी जीरो पॉइंट एट वन टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ चैनल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव पर आते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स तो आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर प्लस गेस प्रेशर तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेस प्रेशर के ठीक है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेस प्रेशर इज टू एब्सोल्यूट प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स है फ्रेंड्स इड्रोस्टेटिक प्रेशर एट अ पॉइंट एच मीटर बिलो द टॉप सरफेस ऑफ अ लिक्विड विच स्पेसिफिक बेट डब्लू विल वी ठीक है तो यहाँ पे राइट right ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स के लिए तो यहाँ पे आपका राइट right ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी एच नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन पर आते हैं द डिमेंशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी आर ठीक है मतलब कि क्या कह सकते हैं विशिष्ट गुरुत्व की विमा क्या होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स होता है विशिष्ट गुरुत्व तो उसकी विमा यानी डिमेंशन आपसे पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन फोर्टी सेवन में तो चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल राइट नन मतलब इनमें से कोई नहीं होगी अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट पे आते हैं फ्रेंड्स द हाइड्रोलिक रेडियस फॉर अ फुली फॉलोइंग फ्लोइंग पाइप ऑफ मीटर डायमीटर बिल बी ठीक है तो यहाँ पे फोर्टी एट का राइट right ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है यहाँ पे राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जीरो पॉइंट सॉरी ऑप्शन सी आपका होगा फ्रेंड्स नहीं यहाँ पे 40, हाँ, फोर्टी एट का जो है ऑप्शन बी होगा जीरो पॉइंट फाइव मीटर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन है फोर्टी नाइन क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स मीनिंग्स फॉर्मूला फॉर मीन फ्लो वेलोसिटी इज ठीक है तो यहाँ पे इसका मेनिंग फॉर्मूला क्या होगा ठीक है औसत बहाव की जो है गति ज्ञात करने के लिए मेनिंग सूत्र या मेनिंग फार्मूला क्या होगा ठीक है तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर डी v इक्वल टू वन बाई एन आर टू बाई थ्री आर टू दावर टू बाई थ्री और एस टू दावर वन अपॉइंट टू ठीक है ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी पर आते हैं फ्रेंड्स द फोर्स पर यूनिट एरिया इन फ्लूड इज एक्सर्टेड तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी के लिए फ्रेंड्स तो यहाँ पे राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इन ऑल डायरेक्शंस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन है द लेंथ ऑफ अ ठीक है किसका गुंतर's, गुंतर's ठीक है मतलब गुंटर्स चेन की लंबाई होती है मतलब कितनी होती है तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स फीट होती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है फ्रेंड्स लेंथ ऑफ मैट्रिक चेन इज मेट्रिक चेन की लंबाई कितनी होती है तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स फ्रेंड्स राइट ऑप्शन ऑप्शन है नंबर बी, बी 20 मीटर होती है याद कर ले बिल्कुल एक एक, एक क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं परीक्षा में तो बिल्कुल पिछले विगत वर्षों का पेपर आप लोग को रटा रटना चाहिए बिल्कुल क्योंकि यही पिछला पेपर जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पिछले पेपर से मिल जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री है द बेंच मार्क Fixed at the end of a days of survey work is called तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है ठीक है मतलब इसका कह सकते हैं इसका हिंदी में अगर आप समझना चाहें तो अगर किसी एक दिन जो है सर्वेक्षण के अंत में निर्धारित किए गए बेंच मार्क को कहते हैं बेंच मार्क को क्या कहा जाता है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी ठीक ट्रेरी बेंच मार्क नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर पर आते हैं फ्रेंड्स द इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ इज नोन एज तो यहां पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर के लिए राइट right ऑप्शन होगा जियोग्राफिकल मेरिडियन ठीक है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव है द वियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज फोर्टी डिग्री सेल्सियस फोर्टी डिग्री ट्वेंटी सिक्स इंच टेन ठीक है एंड बी ठीक है और एंड वियरिंग ऑफ ए सी इज वन फोर्टी थर्टी फोर्टी ठीक है वॉट विल बी द एंगल बिटवीन लाइन ए बी एंड ए सी ठीक है तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हंड्रेड डिग्री फोर इन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स पर आते हैं फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोगों को इंग्लिश में कराने वाली हूँ आप लोग की डिमांड होगी तो हिंदी में भी पेपर कराया जाएगा तो यहाँ पे है फ्रेंड्स एडिडेड इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट यूज इन विच सर्वे ठीक है तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है friends. Uh, यहाँ पे राइट right ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेन टेबल सर्वे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ हैविंग इरेगुलर बाउंड्रीज आर तो यहाँ पे फिफ्टी सेवन के लिए राइट right ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ फिफ्टी सेवन के लिए राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट है फ्रेंड्स फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन फ्लोसिटी इन टाइप ऑफ फ्लो तो यहाँ पे 58 के लिए राइट right ऑप्शन क्या होगा तो यहाँ पे राइट right ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म फ्लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं एट क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो इज इक्वल्ड टू तो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन के लिए राइट right ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे राइट right ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वन हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल इनर्जी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी है इन जनरल द क्योरिंग ऑफ कंक्रीट शुड बी कॉन्टीन्यूड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ तो यहाँ पे राइट right ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी सेवन टू टेन डेज तो होप आप लोग को ये सिक्सटी क्वेश्चन के आंसर अच्छे समझ में आ गए होंगे और आप लोग एक से दो बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से ये लर्न भी हो जाएंगे नेक्स्ट पार्ट लेकर के मैं शीघ्र ही हाजिर हूँगी अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं सभी जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं सभी आप लोग को कराऊंगी और आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर कर दें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो